हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियो। प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक माय वीडियो। टुडे वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप ऑफ द एरर एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो ये बीएससी और एमएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ डोंट बी स्किप अवर वीडियो। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एरर क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या होता है, और कुछ एरर्स के बारे में हम डिटेल में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो Knowing error can help us as analysts to minimize the amount of error in the measurement. फर्स्ट टाइप है इसका रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है, ये हमारा इंटरमीडिएट में एरर होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे रैंडम एरर हैज़ नो नोन सोर्स एंड कॉज डाटा स्क्रैचेज मोर और लेस सिमेट्रिकली अबाउट अ मीन वैल्यू। ठीक है, अब इसका हम पढ़ेंगे इफेक्ट इन प्रिसिशन। तो इसका अफेक्ट इन प्रिसिशन क्या होता है, डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन एस और एस डी वेरियंस। तो वेरियंस क्या होगा इसका, एस स्क्वायर होगा। देन ई वी परसेंटेज एंड रेंज क्या हो जाएगी इसकी, एच माइनस एल। दिस टाइप ऑफ एरर इज़ कॉज्ड बाय एनी अनकंट्रोल लेबल वेरिएबल्स। ठीक है, अब सेकंड टाइप हम इसका पढ़ेंगे ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर क्या होता है, यूजुअली ऑब्वियस गिव आउट लेयर रीडिंग अकर ऑशियनली। इसकी है ना लार्ज पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू होती है, डिटेक्टेबल बाय कैरिंग आउट सफिशियंट रिप्लीकेट मेजरमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेंगे 25.2, 25.3, 25.9, 25.35। तो इसकी ग्रॉस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 26.7। तो यहाँ से आएगी हमारी 26.7। ठीक है, नीड अ क्यू टेस्ट। ठीक है, अब थर्ड हमारा आएगा सिमेट्रिकली एरर। सिमेट्रिकली एरर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एरर। तो एरर दैट कॉज ऑल रीडिंग टू हाई और टू लो फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड हैव द सेम मैग्नीट्यूड फॉर रिप्लिकेट मेजरमेंट मेड इन द सेम वे। ठीक है, अब सेवरल पॉसिबल नोन सोर्स सच एज बैड सेलिब्रेशन और हीटिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब इसका हम पढ़ेंगे इफेक्ट एक्यूरेंसी एंड मीन एक्स वेक्टर। तो क्या होता है हमारा, एंड दे लीड टू बेस इन मेजरमेंट रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे दो ग्राफ लिए हैं, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। ये हमारे दोनों एरर होते हैं जो हमने इसमें पढ़े हैं। ठीक है, तो रैंडम एरर का ग्राफ क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारा ग्राफ बनेगा। फर्स्ट आएगा हमारा, फर्स्ट जो बॉटम लाइन रहेगी हमारी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स विथ रैंडम एरर। एंड सेकेंड जो हमारी अंडरलाइन रहेगी इसमें, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स विथ लो रैंडम एरर। ठीक है, तो पहले हम रैंडम एरर के बारे में पढ़ लेंगे। तो नोटिस दैट रैंडम एरर डज नॉट इफेक्ट द अरेंज ओनली द वेरिएबिलिटी अराउंड द एवरेज। ठीक है, इसका सोर्स क्या होता है, ऑपरेट एरर चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक फ्रिक्वेंसी और एक्स की वैल्यू में ये भी होता है, इसकी भी सेम यहाँ पर, ये हमारी जो टॉप है ये यहाँ पर थोड़ा, मतलब मैंने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए बता देती हूँ। ये हमारे यहाँ पर था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स विथ सिस्टमेटिक एरर, एंड ये वाला था हमारा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स विथ लो सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, और ये था हमारा नोटिस है इसका, हमारे एक्स की दैट इज सिस्टमेटिक एरर डज इफेक्ट दैट एवरेज वी कॉल दीज आ बेस। ठीक है, इसके सोर्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल फिजिकल एंड ह्यूमन इम्यूनेशन। ठीक है, तो ये हमने एरर्स के बारे में देखा था, एरर्स में ग्राफ भी बनाया।